الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا مضغتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم الحمد لله بعد ميم تي في كأزيز السامعين तमाम तरमसिन और तमाम तरम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वाहद शरीक के लिए है अहकाम नामी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान हादिर खिदमत है आप एक अपनी नौीय का ख़ास प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं देख रहे हैं मुलादा फरमा रहे हैं कि जिसमें अहकाम शर्या के दलाइल भी यूँ समझ लीजिए जिक्र किए जा रहे हैं कि हम आहकाम शर्या पर अलहमदिल्ला के फदल से अमल तो करते ही हैं लेकिन आहकाम शर्या की दलीलें क्या हैं उसको भी हम जो है समात फरमाते रहते हैं गुजशत दस में आपने तयम के मुतल कुछ इजमाली बातें और तमहीदी बातें समात फरमाई थी और याद रखिएगा ये तयम इस उम्मत का ख़ासा है कि अल्लाह तबारक व ताली ने इस उम्मत पर कई किस्म की जो है तखफीफें और आसानियाँ आसाइशें और सहूलियतें रखी हैं और बहुत से लोग जो इस बात के यानी कि कायल हैं और इस बात का नज़रिया रखे हुए हैं और ये तसवरत और ख़यालत अपने जहन में और दिमाग में और कल में रासिक किए हुए हैं कि दीन बहुत मुश्किल है अगर हम जो है इस शरीत मतहरा का तकाबुल करें कम्पेरिज़न करें सबका शरीतों के अकाम से तो आपको इस शरीत के अंदर जो है बहुत सी आसानियाँ नजर आएँगी बहुत सी जो है सहूलती सहूलतें और आसाइशें नज़र आएँगी कि मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि बनी इसराइल के अंदर जो है ज़कवात का जो रेशो था वो पच्चीस फ़ीसद था कि यानी कि पच्चीस फीसद जक़़त की अदायगी ये वाजिब थी सौ रुपये में पच्चीस रुपये देना लाजिम व ज़रूरी था लेकिन इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब के सद के जो कर्म फरमाया कि सिर्फ़ जो है ढाई फ़ीसद चालीसवा हिस्सा जो है सौ रुपये में ढाई रुपये आपको जकवात की मद में अदा करने है इसी तरीके से याद रखिएगा कि जमानः सबका में जो उम्मत गुजरी मानी इसराइली की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ पर आ, कपड़े को पाक करने का तरीक़ा फ़कत ये था कि उसको काट दिया जाता इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता लेकिन इस उम्मत में आसानी यह है कि कपड़ा अगर नापाक हो जाए तो अब उसको जो है काटने की ज़रूरत नहीं है माल को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं बल्कि अब जो है उसको धो लिया जाए नजास्त को जो है हर किस्म के महलूल और माया और पानी वगैरह उसकी उसकी से जो भी शे, शे हो यानी कि जो उस नजास्त को टाइल कर दे तो अब वो कपड़ा पाक हो जाएगा इसी तरीके से आप गुजत जो है शरीयतों के अंदर देखिए कि आप गुजशत शरीयत के मानने वाले जो थे उनको अपनी इबादत के लिए मखसूस मकामात जो इबादत के लिए मुख्तस किए गए थे वहाँ पर आना ज़रूर था लेकिन इस उम्मत की शान ये अल्लाह ने अपने महबूब के साथ के पूरी की पूरी जो है ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया कि जहाँ पर भी नमाज का वक्त आए तो अब इस सूरत में बंदा जो है नमाज अदा कर सकता है उसको मस्जिद में आने की मखसूस मकाम पर आने की ज़रूरत और हाजत नहीं है इसी तरीके से अगर पानी नहीं पाता तो याद रखिएगा ये अल्लाह का फजलकरम है कि तहारत का गुजा उम्मतों में एक ही ज़रिया था और एक ही तरीका था वो है पानी का इस्तेमाल लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व ताली ने यह फ़जल और करम किया कि अगर पानी नहीं पात, पाये पाते अहल ईमान तो अब उसका कायम मकाम अल्लाह तबारक व ने इस उम्मत को अता कर दिया कि अगर पाक मट्टी है तुम्हारे पास तो उस सूरत में जो है आप पाक मट्टी इस्तेमाल कर क़ुरान मजीद फुकान हमीद की आयत उबार का अपनी समाज फरमाए खुतबे के अंदर फलम तजीदमा तो मान अगर तुम पानी ना पाओ तो फ़तेम ममू सईद तय्यब तो पाक मट्टी से तुम तयम कर लो तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है तयम इस उम्मत की एक ख़ासियत है इस उम्मत का तुर्र इम्तियाद है हालांकि क्यास ये कहता है अक़ल ये कहती है कि मिट्टी तो आलूदा करने वाली है मिट्टी तो बंदे को जो है वो आलूदा कर देती है मुलास कर देगी और मज़ीद जो है उसके लिए यूँ समझिए ख़राबी का बायस बनेगी लेकिन अल्लाह का फतल है करम है पानी ना पाए तो बंदा तयम करके मट्टी से तहारत और पाकी हासिल कर सकता है अगर अगरचे कई साल तक वो पानी ना पाए तो मट्टी जो है पाक मट्टी ये जो है पाक करने वाली होगी ये वज़ू और वसल के कायम मकाम करार पाएगी तो ज़रा गौर कीजिए इस उम्म का खासा है अल्लाह ताला ने किस कदर जो है आसानियाँ जो हैं इस शरीयत में इस उम्मत के लिए जो है फ्राहम की हैं तो ये है हमारी ये तकसीर है हमारी कि हमारी तरफ़ से कोतायाँ हैं कि हम दीन को हमने समझा नहीं सही तरह पढ़ा नहीं समझा नहीं और उस पर हमने फिर अमल की जो है गाड़ी को चलाया नहीं अगर अमल जो है मुसलसल तसलसल के साथ तो किया जाता तो याद रखिएगा फिर ये आहकाम जो है बाहिर जो हमें मुश्किल नज़र आ रहा है ये फिर किसी कस्म की जो है मुश्किल की सिफत से दो चार ना होते आइए यहाँ पर जो है तयम जो अल्लाह तबारक व तार ने जो है लादम और इस उम्मत पर ना होने के सूबे में जो है उनकी एक जो है सहूलत और अता फरमाई है और तखफीफ अता फरमाई है इसका पस मंदर क्या है आइए दाऊद शरीफ जेल नंबर एक सफर नंबर इक्यावन में यह हदीस मौजूद है किसतर अम्मार बिन यासर ताला फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि तो गजब बनी मुस्तल में रात को एक मकाम पर उतरे और ये ओलादुलजैश उल का मकाम था जो मक्म मदीने के दरमियान एक जगह है और उस लश्कर में अम्माशर भी मेरे का के साथ थी अब उनकी जो गले का जो हार था यमन के साहिल पर वाक एक बस्ती है जिफार अतीक अती वहाँ पर जो है वो हार गिर पड़ा उसकी तलाश पे लोगों को जो है रोक दिया मेरे आका ने के पास पानी भी मौजूद नहीं था सिद्दीक अकबर उमर अम्मा आशा रली तन पर जो है चूँकि वाह है तो एक वालिद की हैसियत से उन्होंने यानी कि गु़े का इजार फरमाया और कहा कि तुमने लोगों को रोके रखा है और उनके पास पानी वगैरह नहीं है उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने मट्टी से ताहरत हासिल करने की आयत जो है नादिल फरमा दी तो मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए उन्होंने अपने हाथों को जो है ज़मीन पर मारा और फिर उठा लिया और मट्टी ना उठाई और मुंह पर फेरा और हाथों पर जो है उन्होंने इसको फेरा तो ये अल्लाह तबारक व ताल ने जो है करम फ़रमाया और दूसरी रिवायत में भी यही आता है माशा रदील तह से हदीस मरवी है कि उसैद बिन हुदेर रदी अल्लाह तन को चंद साबा के साथ मेरे आका करीम भेजा कि वह उस हार को तलाश करें जो माशा रदी अल्लाह ताल से गुम हो गया था तो नमाज का वक्त आ गया नमाज पढ़ी बग़ैर वज़ू के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे सारा माजरा बयान किया उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तयम की आयत को नादिल फ़रमा दी और इतना भी इजाफा किया उसैद बिन हुदैर ने कि अम्मा तआला तहा से कहा कि अल्लाह रहम करे आप पर के अगर कोई काम आन पड़ता जिसको आप बुरा जानती अल्लाह तबारक व तआला तो आपके लिए और मुसलमानों के लिए उसमें भलाई और आसानी को जो है पैदा कर देता है और रिवायतों में भी आता है कि सिद्दी के अकबर आल अबू बकर के सद के अल्ला तबारक व ताली ने जो है इस उम्मत पर कई जो है आसानियाँ और कई जो है आसाइशें नादिल फ़रमाई हैं तो लिहाजा याद रखिएगा ये है इस उम्मत का ख़ासा जो आपने समात फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताली ने पानी ना होने की सूरत में पाक मट्टी को भी पाक करने वाला करार दे दिया ये इस उम्मत ही का हादसा है अब इसी तरीके से जो है कि यहाँ पर इसी आयत मस्कूरों में इन कन तुम मरदा के लफ्ज़ हैं अगर कोई शख्स मरीज़ हो और पानी का इस्तेमाल उसको नुकसान दे तो वो भी जो है याद रखिएगा तयम कर सकता है कि इसमें जो है तयम को सबूत मिलता है मरीज़ के लिए बाहर आयत से तो ये मालूम होता है कि हर मरीज के लिए तयम करना जायज है मगर अहदीत से पता चलता है कि यह मरीज़ से मुराद वो मरीज़ है कि जो पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना रखता हो यानी कि पानी के इस्तेमाल से मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो या मौत का अंदेशा हो जाए तो ऐसे मर्ज़ की मौजूदगी में तयम करना जाए है अब चाहे पानी मौजूद हो या ना हो पानी दूर हो या पानी हासिल करने के आलत डोल रस्सी वगैरह जो है वो मैसर ना हो या पानी के असूल में किसी दरिंदे या दुश्मन का खौफ वगैरह हायल हो तो अब इस सूरत में आप वजू की जगह पानी के इस्तेमाल की जगह आप तयम कर सकते हैं तो जैसे कि ज़रूर नहीं कि वो पाक मट्टी जैसे बाहर कोई जगह पे जाकर बल्कि यहाँ तक ये भी इजाजत दी गई है दीवार अगर जो है वो मट्टी की है तो उस पर जो है हाथ फेर दिया जाए और हाथ फेरने के बाद जो है उसको अपने चेहरे पर और हाथ पर जो तयम का तरीका भी जिक्र किया जाएगा इस तरीके से भी जो है तयम वगैरह बहराल किया जा सकता है तो ये बात देने को कि मट्टी ज़मीन के जिन्स से जो भी छः हो तो उससे जो है तयम वगैरह जायद है करना और जो मट यानी कि जो ज़मीन की जिन्स से नहीं है तो लिहाजा याद या, रखिएगा ऐसी अशिया से तयम बहरहाल नहीं होगा अब यहाँ पर जो है कि इसी क्या बोलते कि मजमून और इसी मफहम की तइद के तौर पर एक हदीस पेश कर दूँ कि जो मर्ज़ की हालत में हो तो वह भी पानी की जगह तयम कर सकता है अलजाविर रदी अल्लाह तन अबू दाऊद शरीफ़ की यदिशुमारका है वो फरमाते कि हम सफ़र के लिए निकले हम में से एक शख्स के पत्थर लगा और उसका सर फूट गया फिर उसको जो है अहतलाम हो गया यानी गसल उस पर फ़र्ज हो गया तो उसने लोगों से पूछा कि तुम मेरे लिए तयम के रख्सत पाते हो तो उन्होंने कहा कि नहीं तयम क्यों कर दुरुस्त होगा जब जबकि तुम पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो तो उसने गसल किया और उस साहबी का इंतकाल हो गया जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सारा जो है माजरा बयान किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि उन लोगों ने उसको ना हक यानी कि मार दिया अल्लाह ताला उनके कत्ल को यानी कत, कि यूँ समझ लीजिए इस किस्म के कलेमात जो है इर्शाद फरमाए कि जब उनको मसला मालूम ना था तो पूछ क्यों ना लिया कि वहाँ पर जो है अल इम से पूछ लिया जाता क्योंकि ना जानने का इलाज वो सवाल करना और पूछना ही है उस शख्स को तयम कर लेना काफ़ी था और अपने ज़ख़म पर एक कपड़ा बांध कर उन पर मसा करना और बाकी सारे बदन पर जो है पानी डाल देता तो इस तरीके से उसका जो है बहरल यूँ समझिए गसल जो था वो उतर जाता बात वादे हो गई कि अगर कोई शख्स मरीज हो पानी का उसको नुकसान पहुंचा रहा हो तो इस सूरत में जो है वो शख़्स तयम बहरल कर सकता है इसी तरीके से मुसाफिर जो है उसके लिए भी के कर सकता है कि हालत सफ़र में है और ऐसी जगह पर पहुँच गया है सफ़र हालत में कि वहाँ पर चारों तरफ एक एक मील के फ़ासले तक अगर उसको पानी के आसार और पानी नहीं तो इस सूरत में जो है, से को भी जो है जगह तयम करने का हुक्म इस इजाज़त देती है और तो उसको यानी कि रुख्सत देती है अब मुसाफिर और मरीज़ जो है पानी ना मिलने के शुरू तय का जो वजूब है कि यहाँ पर यूँ समझिए कि उस पर चाहे वजू लादिम हो या गसल लादिम हो तो अब याद रखिएगा नमाज की अदायगी के लिए कुछ तहारत ज़रूरी है और पानी ना मिलने की सूरत में अब इन लोगों पर जो है याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स इस पर गसल फ़र्ज हो जाए या फिर इसी तरीके से उस पर जो है वज़ू टूट जाए तो अब कुरान कहता है औ जा आन कुम मिनलवा थी या तुम में से जो शख्स जो है वो पाखाने से आया हो और वो जो है यूँ समझ लीजिए कि बोलो बराज़ कर कर आया हो तो उसके मुतालिक जो है यहाँ पर वादे तौर पर हुक्म मौजूद एक कुरान मजीद फ्रकान हमीद में कि और वो पानी ना पाए तो वो शख्स भी जो है तयम बहरहाल कर सकता है तो याद रखिएगा कि अब एक इख्लाफ की तरफ तो मौजूद है कि यहाँ पर जो है तय्म के वजू के कायम मकाम है मिनकुल्लिल वजू या मिन बादल वजू यानी कुल्ली तौर पर तय्म वजू के कायम मकाम है या फिर जो है वक्ती तौर पर जो है तयम वजू काय मकाम है तो याद रखिएगा अहनाफ के नज़दीक तयम वजू का जो है मुतलकन खलीफा है यूँ समझ लीजिए तयम का वही हुक्म है जो वजू का हुक्म है कि यहाँ पर अगर कोई शख्स एक तयम कर लेता है और नाक़ वज़ू कोई अमल नहीं पाया जाता तो एक तयमुम से वो जितनी नमाजें चाहे वो अदा करना वो अदा कर सकता है ज़ोर में तयमुम किया तो असर पड़े मगरिब पड़े इशा पड़े यानी कि जब तक के नाकज वज़ू कोई अमल वज़ू को तोड़ने वाली कोई शेय ना पाई जाए तो वो एक ही तयमुम से कई नमाजें अदा कर सकता है लेकिन इमाम शाफ़ी अल रहमा का मज़हब यह है कि चूँकि तयमुम जो है ये जो है वज़ु के कायम मकाम है ज़रूरत की बिना पर और कायदा खुलिया है कि अरूरतु ज़रूरत तो तकदर बेकदर ज़रूरत ही कि ज़रूरत जब कोई चीज ज़रूरत के तहत साबित होती है तो उसका एक महदूद जो है यूँ समझ लीजिए क्राइटेरिया होता है और वो ज़रूरत के तहत ही जो है उसको मुक़दर किया जाता है और उसत को साबित किया जाता है तो लिहाजा अब इमाम शाफे के नज़दीक तयम हर नमाज के लिए करना पड़ेगा कि ज़ोर के लिए किया तो असर के लिए अलग से तयम करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि अब जो है तयम एक ही तयम जहर असर मगरबिशा तमाम के लिए काफ़ी और वाफी हो जाए तो लिहाजा ज़रूरत के पेश नज़र जो है तयम को जायज़ करार दिया गया था तो इस सूरत में अब इमाम शाफे आरमा फ़रमाते हैं कि जब जो है जिस नमाज़ के लिए वो तम किया था वो वक्त निकल गया तो अब जो है नए नमाज़ के लिए वो जदीद तयम करेगा ये जो है आहनाफ और जो है इसी तरीके से जो है शवाफ़े के दरमियान जो इख्लाफ है वो आपने समात फरमाया इसी तरीके से जो है याद रखिएगा वज़ू के मुतालिक तो समात फरमा लिया और अब गौसल जिस पर फ़र्द हो जाए तो क्या पानी ना पानी की सूरत में यही तयम करना ही अब जो है गौसल के भी कायम मकाम हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही है इस शरीत मतहर में अल्लाह ने तकफीफ़ आसानियाँ और आसाइशें रखी हैं सहूलियात रखी हैं कि अगर कोई शख्स पर गसल लादिम हो जाए तो अब इस सूरत में वो शख्स जो है तयम करके पाक मट्टी को इस्तेमाल करके अब वो अपना गसल भी दूर कर सकता है और इस तरीके से जो है नमाज वग़ैरह बारा वह कर सकता है जैसे आयत में अल्लाम अस्तुमनसाह तजीदुमान व तम अगर जो है जिन्होंने अपनी जोजाओं सेबत कर ली हो और वह पानी ना पाए तो वह पाक मट्टी से बहरल तयम कर सकते हैं तो यहाँ पर लामस तुम यहाँ जा मा तुम के माना में है कि अगर तुमने अपनी जोजाओं से अपनी बीवियों से अगर जो है जिमा कर लिया है कुर्बतें कर ली हैं बिस्तरी कर ली है और पानी नहीं पाते हो तो अब इस सूरत में बहरल तयम कर सकते हैं तो लिहाजा अब जिस तरह वज़ू करने वाले के लिए जायद है वो तयम कर सकता है तो जिस पर गौसल और नहाना लादिम और फर्ज हो जा हो चुका हो तो अब इस सूरत में वो शख्स जो है इसकी जगह तयम बहरल कर सकता है तो याद रखिएगा अब ये बात आपने जिन फरमाई थी कि जो चीज जमीन की जिन से हो तो उस सूरत में उस तमाम चीज़ों से आप क्या है तयम कर सकते हैं कि जो जमीन की जिन्स से हो मट्टी हो और जो है जैसे जमीन है कच्ची मट्टी वाली है तो उस पर हाथ मारकर आप जो है तयम का सकते जिस तरीका इसका जो है आपके सामने बयान किया जाएगा हाँ अगर ऐसी चीज़ है कि जिस पर जो है चिकनाहट और चिकनी जो है तेह लगा दी गई तो अब उस पर हाथ मारना काफ़ी और वाफी नहीं होगा तो लिहाजा जो ज़मीन की जिनसे है और उस पर किसी किस्म की और कारीगरी और शनत नहीं की गई तो उस पर हाथ मार कर जो है तयम करना जायज होगा लेकिन अगर ऐसी चीज़ है कि नीचे की तरफ जैसे मिट्टी हो और ऊपर किसी चीज़ की जो है ल, लिपाई कर दी गई हो जैसे टाइल्स होते हैं हमारे यहाँ तो टाइल्स में जो है ऊपर से जो है एक अलग से तह बिठा दी जाती है और मट्टी उसके नीचे होती है तो ऐसे टाइल्स वगैरह से बहरअल तयम वगैरह नहीं हो सकता हाँ अगर उस पर इतनी मट्टी जम गई है कि हाथ फेरने से वो मट्टी आपके हाथों में लगती है तो अब इस सूरत में जो है हाथों को झाड़ ऐसी मट्टी से कि जो उसकी तह पर जमी हुई हो टाइल्स वगैरह के सतह पर जम गई हो तो उससे अगर आप तयम करना चाहें तो बहरहाल तयम किया जा सकता है इसी तरीके से आप तयम के हम तरीक़े की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर तयम का तरीका खुद कुरान ने बयान फरमाया फम सहु बी वजूक वह जो है यहाँ पर दो फर्ज तो साबित हो गए कि तुम मसा करो तुम मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का मतलब कि एक मरतबा अपने हाथ को आप मट्टी में मारेंगे तो आप चेहरे और दूसरी मरतबा जो है हाथ मारने के बाद पहले जो है दाएं हाथ का मसा किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर जो है बाएं हाथ का मसा इस तरह जो है आप ऊपर की तरफ़ लेकर आएंगे और ये घुमा कर जो है इस तरफ लेकर चले जाएंगे तो इस तरीके से जो है ये आपका मसा हो जाएगा अब दो फर्ज तो यहाँ पर साबित गए अहनाफ के नज़दीक जो है तयम के अंदर जो है तीन फ़र्ज़ हैं एक नियत करना और यहाँ पर दो मरतबा हाथ मारकर चेहरे और हाथ पर फेरना तो अब नीयत करना ये कहाँ से जो है साबित सबित याद लफ्ज़ तयम के अंदर ही जो है यहाँ पर कसर और नीयत का माना है कि तयम का लोग़वी माना कर देखें तो तयम का लोगवी माना ही इरादा करने के है और तयम का लगोवी माना ही जो है यहाँ पर जो है नीयत करने के आता है तो आहनाफ के नज़दीक जो है तयम के अंदर तीन जो है याद रखिए फ़र्ज़ एक नीयत करना है और फिर जो है दोनों हाथों को मट्टी ज़मीन के जिस से जो चीज़ हो उस पर मारकर चेहरे पर और हाथों पर फेर देना है तो लिहाजा जो है ये नीयत करना तयम के अंदर ये याद रखिएगा ये लाजिम व ज़रूरी है क्योंकि लफ्ज़ तयम ही जो है इरादे और नीयत की तरफ खुद माजी कर रहा है इशारा कर रहा है और आने की तरफ जो है आगाही फराम कर रहा है और फिर जो है ये बात भी धन में रखिए कि पानी जो है अगर हम देखते हैं तो पानी की सिफत ही जो है पाक करना है अब यही इख्त आना बशाफ़े का है कि वज़ू में जो है नीयत सुन्नत है और आप तयम के अंदर जो है नीयत को फ़र्ज़ करार दे रहे हो तो आखिर माँ बिल इम्तियाज़ किया है फ़र्क क्यों कर दिया आपने कि यहाँ पर जो है वज़ू में नियत करने को अपने सुन्नत करार दे दिया और फिर ये तयम वज़ू का जो है नायब है और उसका कायम मकाम है उसका खलीफा है तो अब ये जो है अपने असल से नायब और खलीफा हुकुम में क्यों जुदा हो गया जो हुक्म असल का होना चाहिए वही हुक्म जो उस असल के कायम मकाम और नायब और खलीफा हो उसका भी होना चाहिए लेकिन आप यहाँ पर फर्क कर रहे हैं कि वजू में नीयत को आप सुन्नत करार दे रहे हैं लेकिन तयम के अंदर आप आकर इसी जो है नीयत को जो है वाजिब और फर्ज के दर्जे में ले आते हैं तो ये फ़र्क क्यों है तो लिहाजा याद रखिएगा इसकी एक वजह तो आपने समात फरमा ली कि यहाँ पर लफ्ज़ तयम के अंदर ही नीयत और इरादे का जो है माना मौजूद है इसलिए आनाब जो है तयम के अंदर इस एक इजाफ़ी जो है फ़र्ज़ को जायद करते हैं इजाफी फ़र्ज का इजाफ़ा करते हैं और इजाफी जो है यानी एक फ़र्ज जो है इसको दो फर्जों पर जो है ज़्यादा करते हैं तो लिहाजा नीयत करना तयम के अंदर यह ज़रूरी है लफ्ज़ तयम ही इस बात की तरफ आगाही फराम कर रहा है इसी तरह हम पानी को देखते हैं याद रखिएगा पानी के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताली ने जो है कुरान की वादे जो आयत सूरह अनफाल आयत नंबर ग्यारह के अंदर हमने ने फरमाया अलैकुम मिनस वीलोक इमां के तबारक व आसमान से पानी को नादिल फरमाता है ताकि उसके जरिए तुमको जो है खूब खूब पाग कर दे और क़ुरान की जो है दूसरी आयत में रब फरमाता है वा मिनन मा, मिनस मा हमने पाग करने वाला पानी आसमान से उतारा तो पानी के अंदर ही जो है पाक करने की सलाहियत मौजूद है अगर उसमें नीयत की जाए तब भी वो पाक करेगा नीयत ना करें तब भी वो पाक करेगा तो लिहाजा पानी के अंदर तो खुद ही अल्लाह तबारक ने सिफत रखी है कि वो पाक कर देता है लेकिन चूंकि मट्टी जो है तयम चूंकि मट्टी से की और मट्टी ज़मीन की जिन्स से जो चीज़ें हों से की जाती है तो मट्टी के अंदर और जो है ज़मीन की जन्स के अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है तो लिहाजा इस वजह से जो है चूँकि वो खुद मुलविस और ख़ुद आलूदा करने वाली चीज़ है मिट्टी केफी नफसी ही वो पाक करने वाली नहीं है तो लिहाजा इसीलिए कि उसको जो है पाक करने वाले करार देने के लिए और वो इस हालत में आ जाए कि वो पाक करने वाली हो जाए तो इसलिए अहनाफ ने यहाँ पर जो है तयम के अंदर नीयत को फ़र्ज़ करार दिया ताकि जो है दोनों में फ़र्क हो जाए क्योंकि पानी जो है वो तो ख़ुद से ही पाक करने वाला है उसके अंदर अल्लाह ने सिफ़त पाकी को पहले से ही पैदा फरमा दिया और जो मट्टी है चूँकि जो है इसके अंदर जो है पाक करने की सलाहियत नहीं है इसलिए यहाँ पर नीयत को लाजिम और वाजिब करार दिया ये जो है अहनाफ का मजहब आपने समात फरमा लिया कि ये फ़र्क है वज़ू में नीयत करना ये सुन्नत है और तयम जो कि वज़ू का नायब और कैम मकाम और खलीफ़ा है तो उसके अंदर हमने और अनाफ ने जो है यहाँ पर नीयत करने को जो वाजिब करार दे दिया तो इन दलाइल और इन बराहन की रोशनी में बहरल ये करार दिया गया है फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि तहारत की बात हो क्योंकि तहारत के ही मसाइल चल रहे हैं तो लिहाजा जो है हालत अब हम जो है एक मखसूस अलग जो ख़वान से मुतक़ हैं कि हज़ व नफाज के हज़ व नफाज की यानी के से पाकि और तहारत ये भी जो है नमाज की अदायगी के लिए बहरहाल ज़रूरी है कि यहाँ पर फिर हैस के एक तफसीली जो है यूँ समझिए कि आकाम है कि याद रखिएगा अहनाफ के नज़दीक जो हेज़ की जो है कम से कम मदत तीन दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुदत है वो जो है दस दिन है तीन दिन से कम अगर खून आया तो वो भी हेज़ नहीं है दस दिन से ज़्यादा अगर खून आया तो वो भी हैज नहीं है बल्कि उसको इसतहादा कहा जाएगा तो लिहाजा अहनाफ के नज़दीक जो है कम से कम मदत तीन दिन है की तीन दिन तक आया तो वह हेज़ ही होगा चार पाँच दिन जो आदत बन जाती है बसा बसाओत तो उसी का एतबार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो मदत है वो दस दिन दस दिन के अंदर जो भी खून इन अयाम के अंदर जो है अगर ख़ातून देखती है तो इस सूरत में वो हैज़ ही है लिहाजा उसके जो आकाम है शरीयत ने बयान फ़रमाए हैं कि हालत हैज़ के अंदर नमाज़ भी अदा नहीं करेगी वो वो रोज़े भी नहीं करेगी बल्कि रोज़ों की वो न, इन अयाम के गुजारने के बाद रमज़ान की बाद वो कजा करेगी अगर रमज़ान में इस कैफियत से वो दो चार है इस तरीके से नमाज चूँकि जो है नमाज दिन में पंजगाना है पाँच नमाज फ़र्द हैं इसलिए यहाँ पर हालाँकि क्यास ये कहता है के नमाज रोज़े से ज़्यादा अफजल है तो जो अफजल है कदा उसकी कर, उसकी कदा करने का हुकम दिया जाए ना कि जो के फदीलत में कम दर्जे के है लेकिन याद रखिएगा चूँकि अदादी पे यही वारिद है कि रोज़ों की कज़ा की जाएगी ना कि यहाँ पर नमाजों की क़ा होगी तो इस एतबार से इस खातिन इन खात इसी इस, इस किस्म इस की खातुन जो है वो नफाज की सूरत हाल से दो चार है तो अब वो जो औरतें हैं वो इन अयाम के अंदर ना रोज़े रखेंगी ना नमाजें पढ़ेंगी नमाजों की उन पर कोई कदा नहीं है हाँ ये अलग बात है कि जो रोज़े हैं जो छोड़ दिए हैं पाँच दिन छः दिन सात दिन जितने भी रोजे हैं तो अब वो रमादान के बाद जो है इन रोज़ों की बहरहाल कज़ा कर लेंगी और शवाल के छः रोज़े जो आते हैं तो उस जगह पर जो है वो यूँ समझ लीजिए रोज़े रख लें तो यही उनके लिए बहरहाल मुनासिब होगा अब बात के के मामला नफास् उस खून को कहा जाता है कि जो बच्चे की पैदाइश के बाद निकले तो याद रखिएगा ये जो हैज का खून ये अल्लाह तबारक व वाली ने खात खा वा ये हैज की जो है कैफियत क्यों पैदा फरमाई औरज़ के खून को क्यों पैदा फरमाया तो याद रखिएगा ये तबारक व वाली का एक फजल करम है कि जिसम में के अंदर एक खून की कैपेसिटी होती है और एक जो है खून की जो है एक मकदार उससे ज़्यादा खून ये है खून उससे ज़्यादा होता है तो औरतों के अंदर जो है खून क्यों जो है एक मकदार से ज़्यादा रखा गया तो इसके अंदर भी हमत है वो हमत यह है कि यहाँ पर कि जब ये प्रेगनेंसी के दौर से गुजरें और जब ये जो है आ, हामिला हों खीन तो इस सूरत में वही हैस का खून बच्चे की गज़ा बन जाता है और फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वही हैज़ का खून चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है का खून नहीं आता वही बच्चे की जा बन रहा होता है और इसी तरीके से जो है जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वही खून जो है अल्लाह तबारक व ताली माँ के सीने में गजा और दूध की सूरत मंतकिल करके बच्चे को ज़ा फरहम करता है तो लिहाजा इस सूरत में अल्लाह ने औरत के जिसम में मेदार से ज़्यादा खून पैदा फरमाया तो जब ये सूरत हाल ना हो यानी कि प्रेगनेंसी और जो है बच्चे की पैदाइश की सूरत ना हो तो अब उस खून का जो इजाफ़ी खून है उसका जिसम से निकलना लाजिम व ज़रूरी है अगर वो जिसम से नहीं निकलता तो औरत के अंदरूनी जिसम यानी जिसमानी बातनी जो है कई बीमारियों से वो दो चार हो जाती है इसलिए इस जो जरूरत से ज्यादा जो हैज़ का खून है इसका, इसका जिसम से निकलना लादे में ज़रूरी है नफाज के मुतालिक आप समाज फरमा रहे थे तो नफाज का खून वो खून है जो बच्चे की पैदाइश के बाद से शुरू हो जाता है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुदत इन दल आनाफ चालीस दिन है चालीस दिन के बाद जो भी खून आएगा वो इसहादा होगा वो नफाज नहीं होगा कम कमी की जानब याद रखिए आनाफ के नज़दीक कोई जो है लिमिट और कोई हद नहीं है यहाँ तक के फाज का खून बच्चे की पैदाइश के बाद अगर जो है वो एक घंटे के बाद आकर जो है बंद हो गया तो वो औरत जो है ताहरा और पाक हो जाएगी लेकिन हमारे यहाँ एक एक जहन बना हुआ है कि चालीस दिन तक अगर चे खून आना बंद भी हो जाता है तो लिहाजा आठ दिन बाद दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद बीस दिन बाद भी अगर खून आना बंद हो जाता है नफाज का तो हमारे और माशरे की जो खुतन हैं वो ये समझती कि 40 दिन तक जो है वो ठहरना और 40 दिन तक जो है तहारत हासिल ना करना और नमाजों को छोड़े रखना ये लादिम ज़रूरी है हालांकि ऐसा नहीं है ये बात दिन में मसला देने में बिठा लीजिए कि नफाज के, के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत चालीस दिन है चालीस दिन तक खून आता रहा तब तो सही है उससे पहले खून बंद हो गया तो आप पाक हो गई ख़वातानीन पाक हो जाती हैं उसके बाद वो गौसल वगैरह कर कर अपने दीगर जो है इबादत के मामला को वो दोबारा उसवार करना उन पर लादि हो जाएगा तो लिहाजा ये जो है चंद मसा जो है तो नफाज के मुतालिक आपने समात फरमाया अल्लाह ताला की बारगह में दुआ है मौल करीम जो कुछ हमने सुना उस पर अमल पैरा होने की हमें तोफ़ी कता फरमा आम बेजाह नबीम व आखिर दावाना रबीमिन